अरे हॉस्पिटल में क्या दिया था मैंने तुम्हें? कूपन। कूपन को कौन भरेगा? ये है मेरी विश। मम्मा के प्रिंस चार्मिंग बनो। ये देखो ये सब आपके प्रिंस चार्मिंग ने किया, वो देखो आ गए। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आप बाप नहीं बनने वाले। ये बच्चा मेरा है, आपका नहीं। आपने अच्छे से सुना है, ये बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है। मैंने आपको मुझसे नफरत करने के लिए हर वजह दी, फिर भी आपने मेरी पीहू से नफरत नहीं की, उसे प्यार ही दिया, क्योंकि यही है आपके पास मिस्टर कपूर। लेकिन इस घर में कुछ लोग हैं जो आपके प्यार का गलत फायदा उठा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। हेलो मिसेस सूद, डॉक्टर त्रिपाठी से आपका अपॉइंटमेंट आधे घंटे बाद का फिक्स हुआ है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो प्रिया? वो माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ओके। आप नंदिनी कपूर ठीक है ना? प्रिया ने कहा कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, क्या वो सच कह रही थी? चेक ही करती हूँ। हेलो मीरा जी, कैसी हैं आप? फ्री हैं? जी कहिए। जी मुझे आपसे मिलना था, आप अभी मिल सकती हैं? हाँ पर अभी नहीं, क्योंकि मैं प्रिया के साथ हूँ, इसलिए आपके मैं बात कराती हूँ उससे। एक मिनट नंदिनी जी। हेलो मिसेस कपूर, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं प्रिया, वो एक्चुअली मुझे शादी के मंडप के बारे में मीरा जी से कुछ बातें करनी थी, इसलिए मुझे लगा कि मिल के बात करते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ है तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम उन्हें घर पर ही लेकर आ जाओ, फिर यहीं पर बात कर लेंगे। ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना प्रिया? वो तो आप डॉक्टर साहब बताएंगे, तो बताइए नंदिनी कपूर की प्रिस्क्रिप्शन का सच क्या है? मैडम वो एंटी एंजाइटी पिल्स ही ले रही है। झूठ बोल रहे हैं आप, और पता नहीं कितने सालों से झूठ बोल रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हो गया बच्चे, अब शांत हो जाओ। नहीं माँ, मैं जानती हूँ कल मेरी हालत क्या हुई थी, जब मेरी 5 साल की बच्ची ने वो दवाइयाँ खा ली थी जो उन्होंने नंदिनी कपूर को दी है। ये तो जानलेवा हो सकता है, कहाँ है आपकी बेटी? घर पे, और बिल्कुल ठीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये है उन दवाइयों का सच। लीजिए, जो दवाइयाँ आप मिसेस नंदिनी कपूर को देते हैं उसकी बॉटल में सिर्फ विटामिन और कैल्शियम की गोलियां थी। तो आप बताइए आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों मिस्टर कपूर से कहा जा रहा है कि उनकी माँ बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, वो दवाइयाँ खाती है, क्यों कहा जा रहा है? किसके कहने पर कर रहे हैं आप ये सब, बताइए मुझे। प्रिया सुन, देख शिवीना के जाने के बाद नंदिनी जी सच में बीमार रही हैं। तो माँ फिर वो अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं खा रही हैं जो उनके इलाज के लिए उन्हें दी गई हैं, आप बताइए मुझे। मैडम वो वही दवाई ले रही है, उनका प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन मैं खुद देता हूँ, वो दवाइयाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। नंदिनी कपूर के पिछले 5 साल के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स है मेरे पास, वो मुझसे एंटी एंजाइटी पिल्स ले रही है। मुझे ये नहीं पता कि वो दवाई के बोतल में क्या था। आपकी बेटी लकी है मैडम जो मेरी प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं खाई है। झूठ, ये सब मिसेस कपूर की सिखाई हुई बातें बोल रहे हैं, यानी अब ये बात पक्की हो गई कि नंदिनी कपूर बीमारी का झूठा नाटक कर रही है, मिस्टर कपूर को बेवकूफ बना रही है वो। बच्चे ये सब क्या हो रहा है, नंदिनी जी चाहती क्या है? मेरे सब्र का बांध तोड़ना चाहती है। तो फिर ठीक है, जो वो चाहती है आज वैसा ही होगा, आज घर जाकर उनका सच उनके सामने ले ही आएंगे। एक सेकंड, प्रिया तो ठीक है, तुम ठीक फील कर रही हो? कैसा फील कर रही हो? क्यों आप डॉक्टर हो? मजाक उड़ा रही हो मेरा? क्यों आप बार बार मेरे मुंह में थर्मामीटर डाल रहे हो? क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि बार बार तुम्हारा टेम्परेचर लेना है थर्मामीटर से। कैसे कहती हो तुम, क्या कहा? थर्मामीटर। तुम ठीक फील कर रही हो ना? हाँ। मतलब एक सेकंड रुको, मुझे ये सब लिखने दो। भूख लग रही है तुम्हें? अभी तो फ्रूट प्लेट खाई थी। हाँ, पर पूरी नहीं खाई थी ना। और अच्छा वो कुछ वॉमिटिंग या वो चक्कर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, बताओ? नो।
और कोई परेशानी, सांस लेने में कोई परेशानी आ रही है? मतलब लेकर देखो, लेकर देखो ना, करो ना यार, क्या कर रही हो? मुझे परेशानी हो रही है कोई? परेशानी तो है। क्या क्या कोई परेशानी है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, एक सेकंड रुको। मैं डॉक्टर वाली परेशानी नहीं, ये वाली परेशानी मैं बना रही थी और आपने मुझे रोक दिया। अब ये देखो गिर गई। एक सेकंड, मेरी वजह से नहीं गिर रही। पता है ये क्यों गिरी है? ये गिरी है क्योंकि ना इसकी जो नींव होती है ना, वो तुम समझोगे नहीं, नींव क्या, फाउंडेशन समझ, बेस होता है ना जो, वो वीक था, कमजोर था, इसलिए वो गिर गया, खत्म। अच्छा बहाना है ये, मैडम ये, हेलो, कोई बहाना वाना नहीं है। जब 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 किसी चीज की भी ना, जब बेस जो नींव होता है ना वो स्ट्रांग होता है ना, तो आप उस पर कुछ भी खड़ा कर। मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये तुम पकड़ो, तुम्हारा थर्मामीटर, थर्मामीटर कैसे कहती हो, समझ नहीं पड़ता मुझे। ओके ओके, बेस बेस हैज टू बी, ये देखा, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली ना, उसके ऊपर जितनी लंबी बिल्डिंग खड़ी करनी है ना खड़ी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गारंटी है गिरेगी नहीं। अरे हाँ आदि, व्हाट्स अप मैन? हाय अंकल। हाय बेटा, क्या कर रहे हो आप? मैं मिस्टर गर्ल्स के साथ बिल्डिंग बना रही हूँ। वाह वेरी गुड। अरे यार राम, कभी ऐसा क्वालिटी टाइम हम गरीबों के साथ भी स्पेंड कर लिया कर यार। किस काम के लिए फोन किया है बताओ? अरे वो कमीना गोरा एल्बर्ट साला, उसने लाइफ झंड कर दी। आदि लैंग्वेज, चाइल्ड विद मी। अरे आई एम सॉरी, लेकिन गाली तमीज से कैसे दूं? प्रॉब्लम क्या है वो बता मुझे। हाँ अरे यार, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तीन कंडीशंस मान ही नहीं रहा यार, बोलता सिर्फ एक टर्म मानूंगा। तीनों कंडीशन जरूरी है क्या? मतलब इज इट इंपॉर्टेंट? यार जरूरी है, इसलिए तो तुझे फोन किया राम, वरना मैं संभाल लेता। ओके देन डू दिस, कि जिस कंडीशन की वो बात कर रहा है ना, उसे कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से वीव कर कि पहले 6 महीने में उसमें हम कई चेंजेस ला सके। एक्चुअली कई नहीं, काफी चेंजेस ला सके। तो बेसिकली वो तीन जो कंडीशन हमें डालनी है वो इस बहाने हम डाल देंगे, और क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया है, वो पीछे जा नहीं पाएगा। अरे क्या बात है राम, तू मास्टर आदमी है यार। एक कंडीशन के साथ तीन और चीजें ऐसे जोड़ी जाती है, या यू गेट दैट? चल ठीक है, बाय पीयू। ओके बाय। माय गॉड दिस इज रियली गुड, कर दिया कमाल यार, काफी इंटेलिजेंट हो तुम तो। बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा ऐसे मेरी तरह भुलक्कड़ भी हो? हाँ सोचो। अरे हॉस्पिटल में क्या दिया था मैंने तुम्हें? याद है कूपन? हाँ, और उस कूपन को कौन भरेगा? अरे ये जीनी का मूड चेंज हो गया ना, तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, देख लेना। नो नो नो, जीनी अपना मूड मत बदलो, एक सेकंड। आप जीनी तो मैं आका हुई ना। अच्छा बेटा। बेटा नहीं, आका। ओके मेरी आका, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? क्या करूँ? सोच लिया, 2 मिनट रुको, अभी लिख के बताती हूँ। ओके अरे जल्दी करो ना यार, क्या लिख रही हो ऐसा? दिखाओ 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 दिखाओ, अरे अरे जल्दी दिखाओ मेरी माँ। दो 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 दो। ये है मेरी विश, मम्मा के प्रिंस चार्मिंग बनो। एक सेकंड, आपकी प्रिंस चार्मिंग तो स्वीट है ना, और केयरिंग भी है, पर ये तो ऐसी नहीं है। मम्मा के प्रिंस चार्मिंग, पर क्या तुम्हारी मम्मा चाहेंगी कि मैं उनका प्रिंस चार्मिंग बनूं? आज मम्मा का बर्थडे है, बनू ना प्लीज। पर मम्मा अगर गुस्सा हुई तुम्हारी तो? तू खड़ूस वाले मत बनो ना, अच्छे प्रिंस चार्मिंग बनो। पर मुझे नहीं आता ना कैसे, अच्छे कैसे बनते हैं? रुको मैं बताती हूँ। ओके। वन, मम्मा को बर्थडे सरप्राइज। सेकंड, मम्मा को बारिश बहुत पसंद है। थर्ड, मम्मा बहुत स्ट्रेस लेती है, वो स्ट्रेस को छू मंतर कर दो। तो पहला वाला बर्थडे सरप्राइज हो जाएगा, और जो आखिरी वाला था ना, वो स्ट्रेस को छू मंतर, वो भी मैनेजेबल है, पर बारिश मेरे कहने से थोड़ी आती है, जो मैं बोलूंगा तो नीचे बरस पड़ेगी, कैसे करूंगा? हाँ वो आप देख लो, आप जीनी हो ना, पर आपको मेरी 3 विश पूरी करनी है। अरे एक सेकंड, मैंने एक कूपन दिया था ना, एक कूपन में 3 विशेस कहां से आई? हां मैं फिर तीन चीजें क्यों कर रहा हूँ?
ऊपर में एक ही विश है, उस विश को पूरा करने के लिए 3 विश है, याद है? ओह, अब मुझे समझ आ रहा तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, वही जो आपने किया। कंडीशन 1, काम 3। अब समझ आया, मुझे चंट कहती है ना, पता लग रहा है कौन किसे चंटो माय बना रहा है। आपसे ही तो सीखा है। बताओ, करोगे मेरी विश पूरी? करोगे ना मेरी विश पूरी? हाँ मेरी माँ, मैं तो जीनी हूँ, आका तो आप है, करनी पड़ेगी ना विश पूरी मुझे। ये प्रिया उसकी माँ को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैं क्या कह रही थी कि हल्दी के सेटअप के लिए ये स्पेस परफेक्ट है, बिकॉज हल्दी के लिए हमें स्पेस ज्यादा चाहिए और सेंटर में ज्यादा स्पेस है भी। एग्जैक्टली, तरुण को मैं सुबह से यही बोल रहा था। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो बोल दो, शादी तुम्हारी है, जो तुम्हारी पसंद होगी वही होगा। सैंडी को मेरी पसंद और नापसंद सब कुछ पता है, तो वो जो डिसाइड करेगी ना वही सही रहेगा। हाँ, पर ये आइडिया ओरिजिनली मेरा ही था। इज इट? या दीप, आप चलो मेरे साथ। कहाँ है ये दोनों, ये प्रिया और उसकी माँ, क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फाइनली याद आई गई आपको मेरी? ले दिखा, ये तू तू मैं, जब तुम और मैं सास और बहू बन जाएंगे ना तब के लिए रखना। लेकिन अगर तुम वो चाहती हो तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, समझी? बोलिए, चाहती क्या है आप? तुम्हें ईशान से जाकर मिलना होगा। क्या? हाँ, और क्या करना है वो मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। अरे पर तुम्हें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लगा रही हूँ ना अपना दिमाग। तो बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। पर वो सूट के साथ रहता है। वो सब यहाँ पर है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम सारा का बहाना बनाकर ईशान से जाकर मिलो। और क्या करना है वो मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, समझी? ओके, गुड। अरे मीरा जी, नमस्ते। 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 मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आप माफ करिएगा नंदिनी जी, वो बीच में हम लोग मंदिर चले गए थे इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, आप दोनों बात कीजिए, मैं पीहू को देख कर आती हूँ। हाँ देख सर। चलो, अब ये दोनों घर में मेरी आंखों के सामने हैं और इसीलिए कोई गड़बड़ कर ही नहीं पाएंगे। वो असली एंटी एंजाइटी की दवाइयाँ मिसेस कपूर ने रखी होंगी या फेंक दी होंगी। जो कुछ भी है मुझे ढूंढ कर रहना होगा, क्योंकि अब बात मिस्टर कपूर की है और मैंने उन्हीं से सीखा है अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाना, और मेरे अपनों में आज भी आप शामिल हैं मिस्टर कपूर। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आपकी अच्छाई का, आपके प्यार का फायदा उठाए। मैं चुपचाप देखूंगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही कही होगी, ढूंढती हूँ दवाई। अगर इतनी इंपॉर्टेंट दवाई है तो छुपा कर क्यों रखी है? मिस सूद। पीहू, आप डर गए, सॉरी। नहीं नहीं, डरी नहीं मैं, वो बस। आप यहाँ क्यों आए हो? ये घर इतना बड़ा है ना, कई बार पीहू खो जाती है, वैसे आज मम्मा भी खो गई। इतने बड़े घर में तो कोई भी लॉस्ट हो जाएगा, है ना? चलो आप, चलो ना। कहाँ? चलो तो सही। अच्छा एक सेकंड, मैं ये कबर्ड बंद कर देती हूँ। क्या हुआ आप बताओ? चलो ना। कहा? चलो तो सही, चलो पहले। अरे पर बेटा, चलो मिस सूद, चलो ना। अरे? चलो एक सेकंड, बताओ कहाँ लेके जा रहे हो आप? हाँ, अरे अरे क्या क्या हो रहा है ये पीहू? मिस सूद खोलना मत, ये एडवेंचर है। पीहू पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है। अरे पर पीहू पुलिस, मैंने क्या किया है? वो तो पता चल जाएगा। पर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। आप बस खाली सीधे सीधे चलो।
चलो। अरे पीहू कहाँ ले जा रहे हो बाबा? हाय ईशान। हाय। सारा घर पे है? नहीं, मॉम बाहर गई है। ओके, उसका फोन नहीं लग रहा है, कहाँ मिलेगी सारा? कपूर मैंशन। ओके, ये तो मुझे अंदर आने के लिए कह ही नहीं रहा, क्या करूँ? इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा पानी मिलेगा? आइए। लगता है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वैसे लंदन जाके तुम्हारी लाइफ सेट हो गई है ना ईशान, वरना 5 साल पहले शिविना के साथ जो हुआ था, मुझे तो लगा था राम तुम्हें उसके बाद कभी सपोर्ट करेगा ही नहीं। वैसे ईशान, उस हादसे का काफी बुरा असर हुआ होगा ना तुम पर, आसान नहीं हुआ होगा ना तुम्हारे लिए वापस आना। आई मीन वही स्टेयर्स देख के याद तो आता होगा वो पल जब शिविना सीढ़ियों से गिरी थी। तुमने मेरी प्रिया मासी को धक्का दिया है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तुम्हें प्रिया के जेल जाने से हुई होगी, राइट? क्या हुआ ईशान, तुम यू ओके? इट्स ओके, काम डाउन। ओके आई अंडरस्टैंड, तुम मेरी बातों से तुम्हें राम और प्रिया का अलग होना भी याद आ गया ना? ईशान, मैं जानती हूँ तुम्हें उन दोनों को साथ में देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक है जिसके ख़त्म होते ही राम उससे शादी कर लेगा। प्रिया का राम की लाइफ में वापस आने का कोई चांस नहीं है, आफ्टर ऑल राम दोबारा उस इंसान से तो प्यार नहीं कर सकता ना जिसने उसकी बहन की जान ली हो। ईशान, राम प्रिया से नफरत करता है, कभी ना खत्म होने वाली नफरत, समझ रहे हो ना तुम? मैं कब तक झूठ बोलता रहूंगा सबसे, मेरी लाइफ बचाने के खातिर मासी अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, ये सही नहीं है। वो क्या हुआ? मासी की कोई गलती नहीं है। पीहू कहाँ लेकर आए हो मम्मा को? चलो खोलो ये पट्टी, खोलो ना। ये देखो, ये सब आपके प्रिंस चार्मिंग ने किया, वो देखो आ गए। ये 400 रुपए दर्जन वाले गुलाबों की तरफ से। हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू। केक ऑन इट मिस सूद। मिस सूद आपको नहीं, मुझे बुलाते हैं। तो केक खा लें। केक। बोलो ईशान, मासी की कोई गलती नहीं थी मतलब? ईशान, सब जानते हैं कि शिविना को धक्का प्रिया ने दिया था जिससे वो डिसबैलेंस हुई और वो हादसा हुआ। वो हादसा था पर क्या ईशान? प्रिया मासी ने। ईशान For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.